सोलर पैनल को लेकर अंधेरी के इलाके में पहली पहल हुई है राज क्लासिक में। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय विधायिका भारती लवेकर जी। मैडम, सबसे पहले तो क्लीनिंग के लिए राज क्लासिक को सर्टिफिकेट मिला, अब सोलर पैनल में भी राज क्लासिक सबसे पहली सोसाइटी है, क्या कहना चाहेंगी आपके विधानसभा में? बहुत खुशी की बात है कि मेरा विधानसभा में एक ऐसी बिल्डिंग है राज क्लासिक, जिसका मैं अभिनंदन करती हूँ आज। और अभिनंदन करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी, क्योंकि इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिखा दिया है कि सोलर से हम क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में बाकी की बिल्डिंगें भी ऐसी ही बने, एक अच्छा आदर्श उन्होंने दिखा दिया है, इसलिए मैं यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के मेम्बर, सेक्रेटरी, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। मैडम, लेकिन पहल इन्होंने की है, जागरूकता किस तरह से बढ़ेगी? जागरूकता तो मोदी जी से ही चली आ रही है, और मोदी जी ने इतनी बढ़ाई है कि यहाँ तक पहुँच गई है। क्यों सर जी, बराबर है ना, यहाँ तक जो पहुँची है ये मोदी जी की ही जागरूकता है। और उन्होंने मन की बात से भी ये कहा था, गांव-गांव में उनको बिजली पहुँचानी है और सोलर के थ्रू पहुँचानी है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने जो स्टेप लिया है, मुझे बहुत गर्व होता है कि ऐसे इन्होंने ऐसी बिल्डिंग और यहाँ के मेंबर्स मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा था, उसका सर्वेक्षण चालू है, आपके विधानसभा में कितना सर्वे सही आया है? अभी सर्वेक्षण हो रहा है, थोड़ा बाकी है, लेकिन अच्छे से आ रहा है। कुछ है, कमियां है, लेकिन निकल आएगी अभी, देखते हैं। मैडम, एक मामला बहुत जोरों में है, N24 लगातार इस मामले को लेकर आ गया है, फुटपाथ को लेकर। लोगों को चलने के लिए फुटपाथ नहीं मिलता, अवैध कब्जे फुटपाथ पर है, उसको लेकर विधानसभा में क्या गतिविधियाँ हैं एज MLA? विधानसभा में एनक्रोचमेंट जो होते हैं, और जहाँ पे फुटपाथ पे भी कुछ दुकानें लग जाती है, और कई कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ हमारे सामने वाले लोग ही उनको हेल्प करते हैं। तो ये सब बंद करने के लिए म्युनिसिपैलिटी तो अपना काम कर रही है और पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन उसमें ज़्यादा और बढ़ना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी ने और काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि BMC अगर और ज़्यादा काम करेगी तो ये फुटपाथ अच्छे हो जाएंगे, और हमारे कॉरपोरेटर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि फुटपाथ का काम अभी उन लोगों ने हाथ में भी लिया है, जैसे योगी राज है, रंजना ताई है, पोपड़े जी है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या मानती है, अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो काम और तीव्र हो जाए? जैसे अभी सर ने कंप्लेन भी की आप लोगों से कि आने सामने का फुटपाथ जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वजह क्या होता है, कंप्लेन के बाद भी सुनवाई नहीं होती? उन्होंने कंप्लेन किया है, बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि लोग नहीं कहेंगे तो हमारे पास भी नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो फुटपाथ है उसका काम हम जल्दी करवा देंगे, और वहाँ पे उन्होंने कहा है जैसे वृक्ष लगाने के बारे में भी कहा है, वो भी हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, प्रभाग समिति अध्यक्ष योगी राज जी हैं। योगी राज जी, कई कंप्लेन आपके पास आई हैं, कब तक काम मिलेगा राज क्लासिक के लोगों ने जो कंप्लेन किया है? जी, राज क्लासिक के लोगों के साथ में मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, और इसके पहले भी हमने यहाँ पे जो उन्होंने कंप्लेन की थी उसमें कुछ एनक्रोचमेंट फुटपाथ के ऊपर थे, वो हमने निकाल दिए, लेकिन उसका जो मड है वो निकालना बाकी, इसकी उन्होंने कंप्लेन किया, तो वो भी जल्द से जल्द उठाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के सर्वेक्षण में आपके वार्ड को क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला है? सर्वे अभी चालू है, लेकिन हम सब रास्ते पे उतर के सब लोगों में जन जागृति कर रहे हैं, और सर्वे में ये सब दिखाई दे रहा है कि हर घर जो सामने कचरा डालता है, हम उनको समझाते हैं भाई ऐसा मत कीजिए, कचरा एक डस्टबिन बैग रखिए उसमें डालिए, हम खुद कचरा उठाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा एक शर्म एक आ जाती है, तो वो भी नेक्स्ट टाइम से कचरा अपने डस्टबिन में ही डालना शुरू किया है, ऐसा हमने महसूस किया है। राज क्लासिक आपके प्रभाग में ऐसी पहली सोसाइटी है जहां पर सोलर पैनल का जो है इंस्टॉल किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? लवेकर मैडम जी को अभी फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उनके विधानसभा में राज क्लासिक पहली ऐसी सोसाइटी जिन्होंने सोलर इम्प्लीमेंट किया है, और भी सोसाइटीज़ है जो इम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत ज़रूरी बात है ये, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मुंबई में देखेंगे तो 4.7 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जिसमें कि अगर हम पूरे मुंबई को सोलर से कवर कर लेते हैं तो मोर देन 3.7 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि अगर आप आधे महाराष्ट्र को गाँव और शहर बाजू में रख के आधे महाराष्ट्र को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे सिर्फ सोलर से फुलफिल कर सकते हैं। यही रिप्लिका, ये राज क्लासिक सोसाइटी की रिप्लिका हर सोसाइटी में बने तो इसका बहुत बड़ा अच्छा भविष्य देखने के लिए हमको आगे मुंबई को देखने के लिए मिलेगा। योगी राज जी, हमने आपसे पहले भी बात की थी तो आपने कहा था कि सबसे पहले जो आपका एजेंडा है आपके वार्ड में पार्किंग को लेकर, फुटपाथ को लेकर और क्लीननेस को लेकर, इन तीनों चीज़ों पर कितना काम हुआ है अब तक?
काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, ब्रिज का काम अभी हो रहा है। हमारे यहाँ पे JVLR एक्सटेंशन का ब्रिज है, लोखंडवाला बैक रोड और इधर का अमरनाथ और का ये जो ब्रिज है, इसके वजह से ट्रैफिक मूवमेंट बड़ी तेज़ी से आगे आ रही है। बाद में हमारे यहाँ पे रुनवाल एक टावर है, वहाँ पे 558 पार्किंग जोन है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस में गया है, पार्किंग का प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और नई मेट्रो वहाँ पर स्वामी समर्थ नगर से पवई तक जाएगा, वहाँ उसका भी काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 सालों में हमको वर्सोवा विधानसभा के तौर पर अगर हम देखेंगे वार्ड 60, वार्ड 61, 62, 63, 64, 59 से लेकर, तो काफ़ी हद तक हमको ट्रैफिक का प्रॉब्लम ये ज़ीरो होता हुआ नज़र आएगा पार्किंग के साथ। पार्किंग के साथ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा फुटपाथ का है। फुटपाथ को लेकर लोग पूरी तरीके से मुंबई कर परेशान है, हर जगह रास्ते को लेकर प्रॉब्लम है। प्रभाग की अगर हम बात करें तो के वेस्ट प्रभाग में कितना फुटपाथ को लेकर काम चल रहा है BMC का? मेरे ख्याल से के वेस्ट प्रभाग समिति में हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स है, वो चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सारे कॉरपोरेटर्स फुटपाथ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि फुटपाथ ही हमारा अधिकार है। और हमने इसके तहत एक जंग भी छेड़ी है कि जिन लोगों को यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर जो इंक्रोच करके बैठे हैं, या फिर जिन्होंने यहाँ पे BMC ने भी जहाँ पे ऑफिशियली उनको कुकिंग ऑन स्ट्रीट पे दिया है, तो उनके ऊपर भी हमारा एक मीटिंग्स हो रहे हैं और उनको वहाँ से रिमूविंग का काम इस वक्त चल रहा है। रही बात जहाँ पे इंक्रोचमेंट वैग्रेंट्स लोगों की तरफ से हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारी बार बार कार्रवाई हो रही है और वो वहाँ से भी हम फुटपाथ को क्लियर करवा रहे हैं। एक सवाल ये है कि इस समय मुंबई में आग बड़ी तेज़ी से लग रही है, ऐसे में हर प्रभाग हर समिति में हमने जायजा लिया, वहाँ पर फायर ब्रिगेड के जाने की व्यवस्था नहीं, BMC क्यों नहीं इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाती, क्योंकि आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही। चाहे जब देखिए, अगर हम इस महीने की बात करें, लगातार 3-4 जगह पर आग लग चुकी है और काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। जी, कमला मिल की जो दुर्घटना हुई, उसके बाद हम सारे नगर सेवक बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए इस मामले में, और हर वार्ड में हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कौन सी सोसाइटी ऐसी है। हम इसके पहले भी लवेकर मैडम के तरफ से भी फ्री फायर ऑडिट हुआ था, हर सोसाइटी की तरफ से करवा रहे हैं, जिसमें जो ज़रूरत है उसमें हर सोसाइटी को हम चेक करते हैं। बहुत सारी सोसाइटी जो मुझे SRA में ऐसी दिखी है कि जिन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया और जिसके वजह से आग लगने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे ले जाके उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करनी है, लेकिन हम देखेंगे कि वार्ड 60 में किस तरह से योगी राज जी काम कर रहे हैं, इसका भी जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 59 की नगर सेविका प्रतिमा जी, उनसे जानते हैं। मैडम, आपके वार्ड में एक नई सोच शुरू हुई है, जो है सोलर पैनल लगाया गया है, वो भी राज क्लासिक बिल्डिंग, जिसको स्वच्छता के लिए पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, किस तरह से देखती हैं अपने वार्ड में राज क्लासिक को? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज रिपब्लिक डे है, तो मैं हैप्पी रिपब्लिक डे बोलूँगी, और मैं फर्स्ट थैंक बोलूँगी संजीव सर का, राज क्लासिक के चेयरमैन सर है, इवन खान सर, काजी सर, इन्होंने मुझे इधर बुलाया, तो इस वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और मेरे लिए तो मेरे वार्ड में जो ये हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन मैं इनसे ये इंस्पिरेशनल पर्सन है, तो इनसे मैं पूछूंगी कैसा करना है कैसा नहीं, और इवन जो बड़ी बड़ी सोसाइटी और है तो वहाँ मैं बोलूँगी कि हाँ इनसे बात करें, ये बोलेंगे कैसे करना है, वैसे हम लोग करेंगे। और डेफिनेटली मैं तो ऐसा बोलूँगी, सभी को बोलूँगी कि ऐसा सब करें, तो जिससे ये जो एनर्जी सिस्टम है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। स्वच्छ भारत अभियान का कितना जागरूकता अभियान आपके वार्ड में है? अभी हमारा ये कोलीवाड़ा है, तो कोलीवाड़े में तो हम लोग बहुत ही ट्राई कर रहे हैं। इवन जो कोली जो पर्सन है उनको भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप अपना आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखें। आज जो प्रजासत्ताक दिन था, उसे मैं सभी स्पीच में यही बोल रही हूँ बच्चों को, इवन जो रहने वाले है परिसर में, तो उनको भी मैंने बोला है कि आप अपने आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखें। इवन हम BMC के जो भी है अधिकारी हो, बोलो वार्ड ऑफिसर भी बोलो, हम सबको बोल रहे हैं कि आप भी अपना थोड़ा सहयोग दें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी स्थानीय नगर सेविका, जिन्होंने कहा कि क्लीननेस और जिस तरह से सोलर पैनल का इंस्टॉल हुआ है राज क्लासिक में, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी लोगों को जागरूक करने वाला संदेश है। इससे लोगों को जागरूकता होगी और आसपास के जो सोसाइटियां हैं वो भी अपनी सोसाइटी में सोलर पैनल इंस्टॉल कराएँ, ताकि बिजली बचाई जा सके। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन24 न्यूज़, मुंबई।